बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एज यू नो वी आर गोइंग थ्रू द टॉपिक ऑफ एंटीएमेटिक्स एंड टुडे वील डिस्कस अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ मेटाक्लोप्रोमाइड। बट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टॉपिक लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। आपने कल क्लासिफिकेशन पढ़ी एंटीएमेटिक ड्रग्स की, तीन बेसिक ग्रुप पढ़े थे, कुछ सेंट्रल एंटीएमेटिक थी, कुछ पेरिफेरल एंटीएमेटिक थी और कुछ सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों इफेक्ट रखती हैं। और आज जो हम ड्रग जिस ग्रुप से आपके सिलेबस में शामिल है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल एंटीएमेटिक के ग्रुप से शामिल है, लेकिन सबसे पहले हम प्रोकाइनेटिक ड्रग को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि प्रोकाइनेटिक ड्रग्स क्या होती हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस प्रोकाइनेटिक ड्रग का हमारी मेटाक्लोप्रोमाइड ड्रग के साथ क्या रिलेशन है, ये हमने पहले डिस्कस क्यों किया। प्रोकाइनेटिक्स या प्रोकाइनेटिक ड्रग एजेंट दैट इनहांस कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एंट्रम एंड ड्यूडिनम, ये वो अद्वियात होती हैं, ये वो एजेंट हैं जो के एंट्रम और ड्यूडिनम की कॉन्ट्रेक्शन को इन्हांस करते हैं, यानी मूवमेंट जो है स्टमक की और इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है उनको इंक्रीज करते हैं। जब स्टमक की मूवमेंट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, दीज ड्रग जो प्रोकाइनेटिक ड्रग हैं दे विल इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। जब भाई स्टमक तेजी से मूव करेगा, कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रेक्शन होगी स्टमक में, तो स्टमक जो आंसर है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग या स्टमक तेजी से खाली हो जाएगा। स्टमक के जितने भी कॉन्टेंट्स हैं, स्टमक के जितने भी अज्जा हैं, वो कहाँ चले जाएंगे, इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर जाएंगे। फिर प्रोकाइनेटिक ड्रग क्या काम करती हैं, दे प्रोवाइड रिलीफ ऑफ गैस्ट्रिक स्टेसिस। बेटा कल मैंने आपको ये लफ्ज बताया भी था, गैस्ट्रिक स्टेसिस आपने फ्लो चार्ट में देखा भी था, जो सबसे पहली फ्लो चार्ट में लगा था कि गैस्ट्रिक स्टेसिस जब हो जाता है, गैस्ट्रिक स्टेसिस डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है। बहुत शुगर के मरीज या जिन लोगों की रिसेंटली सर्जरी हुई हो जीआई ट्रैक की, तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग उनकी डिले हो जाती है, इस प्रॉब्लम को गैस्ट्रिक स्टेसिस के साथ वो करते हैं, जोड़ते हैं। तो जब ये प्रोकाइनेटिक अद्वियात गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को तेज कर देंगी, स्टमक की मूवमेंट को इन्हांस करेंगी, ड्यूडिनम की मूवमेंट को इन्हांस करेंगी, तेजी से स्टमक को खाली करेंगी, तो जो डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है, जो स्लो मैदा खाली हो रहा है, उससे रिलीफ मिलेगा पेशेंट को, और उसकी वजह से जो होने वाली नौजिया एंड वॉमिटिंग का फर्क पड़ेगा। दे डिक्रीज रिफ्लक्स, जो मजे की बात है वो ये आपने याद जहन में रखनी है, क्योंकि ये यूजेस में आएगा तो फिर आपको पता भी चलेगा कि दे डिक्रीज रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस। ये तो लफ्ज हमने पढ़ा था एंटी अल्सर ड्रग में कि एंटी अल्सर ड्रग रिलीफ करती हैं गैस्ट्रिक रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस। रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस में आपने पढ़ा हुआ है कि स्टमक के जो अज्जा होते हैं वो गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको आप कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं, मेदे और एसोफेगस के दरमियान में जो स्फिंक्टर होता है, इसमें क्या होता है रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस में वो लूज हो जाता है, वो टाइटली क्लोज नहीं होता, जिसकी वजह से जब स्टमक में चर्निंग मूवमेंट होती है तो क्या होता है कि एसिडिक कंटेंट जो है वो एसोफेगस में आते हैं, जिसकी वजह से हार्ट बर्न होता है। तो ये अद्वियात क्या काम करती हैं, ये जो काम करती हैं ये गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर को टाइटली क्लोज कर देती हैं, जिसकी वजह से स्टमक के जो तेजाबी अज्जा हैं वो एसोफेगस में नहीं आएंगे, रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस डिक्रीज होगा, तो हार्ट बर्न सीने की जलन भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। और दे डिक्रीज रीगर्जिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट एंड एमेसिस, ये भी एमेसिस के प्रोसेस को डिक्रीज करती हैं, यानी के प्रोसेस को डिक्रीज करती हैं। और रीगर्जिटेशन, रीगर्जिटेशन कहते हैं बेटा जैसे स्टमक के जो स्टमक से खुराक अचानक मुंह में आ जाए, रीगर्जिटेशन में और एमेसिस में फर्क है। रीगर्जिटेशन में जो है खुराक पाइलोरिक वो जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो लूज हो जाता है, और खुराक जो सी है जब हम बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो बाजू का खुराक जो है वो
एसोफेगस से होती हुई हमारे मुंह में आ जाती है, वो जो खुराक जो हजम नहीं हुई है वो हमारे मुंह में आ जाती है एज सच ही, तो उसको आप कहते हैं रीगर्जिटेशन। ये वॉमिटिंग का अमल नहीं होता, इसमें खुराक जो है वैसे ही आपके स्टमक से मुंह में आ जाती है, कोई एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं चल रही होती उसमें। ठीक है जी, हमने बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली जिसकी वजह से जो है कार्डियक स्फिंक्टर जरा सा लूज हुआ और खुराक जो है मुंह की तरफ आ गई है। और एमएससी से किस तरह फर्क है, एमएससी में एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जिसकी वजह से जो तमाम स्टमक और इंटेस्टाइन के अज्जा मुंह में आते हैं और मुंह से बाहर निकल जाते हैं, तो इसमें मुंह से बाहर नहीं निकलती है रीगर्जिटेशन में। तो वो अद्वियात जो कि मेदे और आंतों की हरकत को बढ़ाएं, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को बढ़ाएं, गैस्ट्रिक स्टेसिस यानी जो डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है उस प्रोसेस को रिलीफ दें, आराम दें, क्योंकि ये मैदे की हरकत को बढ़ाती है, रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस हार्ट बर्न को डिक्रीज करें, और रीगर्जिटेशन मुंह में वापस दोबारा खुराक आने के अमल को रोकें, और जो है एमएसएस के अमल को रोकें, वो प्रोकाइनेटिक ड्रग कहलाती है। चलें जी, हमारी स्टार्ट होती है मेटाक्लोप्रामाइड, ये बिलोंग करती है सेंट्रल एंड पेरिफेरल एंटीएमेटिक ड्रग के। मेटाक्लोप्रामाइड इज अ प्रोकाइनेटिक ड्रग, इसको प्रोकाइनेटिक ड्रग भी कहते हैं। एमसीक्यू के लिए आपको याद होना चाहिए मेटाक्लोप्रामाइड जौन सा है, ये एक प्रोकाइनेटिक ड्रग है। ठीक है जी, इसके साथ डोमपेरिडोन भी होती है। और मेटाक्लोप्रामाइड सेंट्रल, वैसे ये सेंट्रल और पेरिफेरल एंटीएमेटिक ग्रुप से ताल्लुक रखती है। मोड ऑफ एक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन में आपने देखा ये डोपामिन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट भी है, ये प्रोकाइनेटिक ड्रग भी है, ये सेंट्रल पेरिफेरल एंटीएमेटिक ग्रुप से भी ताल्लुक रखती है। तो ये हम इसको सेंट्रल और पेरिफेरल एंटीएमेटिक क्यों कहा, क्योंकि ये यहां पे आप देखें कि ये ब्रेन के ऊपर भी एक्ट करके और स्टमक दोनों जगहों पे ये इफेक्ट शो करके क्या करती है, वॉमिटिंग को स्टॉप करती है। मेटाक्लोप्रामाइड जो है वो क्या काम करेगी ब्रेन में, ये जो सीटीजेड के ऊपर और वॉमिटिंग सेंटर पे D2 रिसेप्टर है, सेंट्रल D2 रिसेप्टर का मतलब ब्रेन वाले D2 रिसेप्टर, D2 रिसेप्टर पे क्या बाइंड करता है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है, डोपामिन। तो जो है ये मेटाक्लोप्रामाइड जो है वॉमिटिंग सेंटर और CTZ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में क्या करती है, ब्लॉक कर देती है D2 रिसेप्टर को, जिसकी वजह से वॉमिटिंग का प्रोसेस रुक जाता है। इसी तरह ये पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब GIT में जो D2 रिसेप्टर है उनको जो है क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी। तो ये दो जगह पे D2 रिसेप्टर आपने पढ़ा हुआ है, आप शुरू की स्लाइड्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टमक में भी D2 रिसेप्टर्स हैं और सेंट्रल यानी ब्रेन में वॉमिटिंग सेंटर में भी D2 रिसेप्टर है, CTZ में भी D2 रिसेप्टर है। तो ये दोनों जगह पे इसको D2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी कहते हैं, ये सेंट्रल और पेरिफेरल एंटीएमेटिक भी कहलाती है, ये प्रोकाइनेटिक भी कहलाती है। ये तीन बातें आपने दिमाग में रखनी है, मेटाक्लोप्रामाइड एक प्रोकाइनेटिक ड्रग है क्योंकि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को तेज करती है, मेदे को तेजी से खाली करती है, ये सेंट्रल और पेरिफेरल एंटीएमेटिक है क्योंकि ये ब्रेन और स्टमक दोनों पे, दोनों जगह पे इफेक्ट शो करके अपना जो है इफेक्ट शो करती है, वॉमिटिंग को रोकती है। और ये D2 रिसेप्टर ब्लॉकर है क्योंकि ये स्टमक में और ब्रेन में मेटाक्लोप्रामाइड ये D2 रिसेप्टर दोनों जगह पे ब्लॉक करती है। तो सेंट्रल पेरिफेरल एंटीएमेटिक क्यों का, ब्रेन और स्टमक दोनों जगह पे ये इफेक्ट शो करती है। प्रोकाइनेटिक क्यों कहा, क्योंकि ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग तेज करती है। D2 रिसेप्टर ब्लॉकर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेदे में और मेडुला और CTZ में मौजूद D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके के अमल को रोक देती है। अब हम देखते हैं कि क्या करती है, डोपामिन एंटेगोनिस्ट है ये D2 रिसेप्टर के थ्रू काम करती है। पेरिफेरल एक्शन क्या काम करती है, जब ये स्टमक में मौजूद D2 रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो पेरिफेरल एक्शन शो करेगी, जिसकी वजह से हसन हो जाएगा, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग तेज हो जाएगी, स्पीड हो जाएगा, मेदा तेजी से खाली हो जाएगा। और ये क्या काम करेगी, लोअर एसोफेजियल टोन को बढ़ा देगी, एसोफेगस के जो नीचे वाला स्फिंक्टर है वहां पे उसको मजबूती से बंद कर देगी। तो उससे क्या होगा, लोअर एसोफेजियल टोन बढ़ जाएगी। अब जो है स्टमक से जो एसोफेगस के जाने वाला रास्ता है वो क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से वॉमिट जो अंसी है वो एसोफेगस की तरफ मूव नहीं कर पाएगी और वो
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तेज होने की वजह से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जल्दी हो जाएगी, लिहाजा अब स्टमक में तो कोई अज्जा रहेंगे नहीं, तो क्या क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ये है डी टू रिसेप्टर के थ्रू पेरिफेरल एक्शन। सेंट्रल एक्शन क्या है, ये डी टू रिसेप्टर को ब्लॉक करती है सीटीजेड पे, इट हैज सेंट्रल एंटीएमेटिक इफेक्ट। चूंकि ये डी टू रिसेप्टर पर डोपामीन के इफेक्ट को, डोपामीन को बाइंड नहीं होने देती, जब भी डोपामीन डी टू रिसेप्टर सीटीजेड के ऊपर आकर बाइंड करती है, बेटा डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन में सीटीजेड पे मौजूद जब ये डी टू रिसेप्टर से डोपामीन बाइंड करती है ना, तो वॉमिटिंग होती है। अब क्या काम करेगी ये, डोपामीन को बाइंड नहीं होने देगी डी टू रिसेप्टर से मेटाक्लोप्रामाइड, तो उससे क्या होगा, एंटीएमेटिक, सेंट्रल एंटीएमेटिक इफेक्ट शो करेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम जरूर आएगी, वो हम एडवर्स इफेक्ट में पढ़ेंगे। तो यहां पे आपने देख लेने, गौर कर लेने कि डी टू जब ये ब्रेन में सीटीजेड पे मौजूद डी टू रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, यानी अपना सेंट्रल एक्शन शो करेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। हाइपर का मतलब ज्यादा, प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, MIA मैंने आपको बताया था, खून में प्रोलैक्टिन की मिकदार ज्यादा कर देगी, जिसकी वजह से जब भी खून में प्रोलैक्टिन की मिकदार ज्यादा होगी, गाइनेकोमेस्टिया टाइप का, पीछे आपने पढ़ा था साइमेटिडिन में कि गाइनेकोमेस्टिया हो जाता है, फीमेल हार्मोन मेल्स के अंदर ज्यादा हो जाते हैं साइमेटिडिन के इस्तेमाल से। तो इसी तरह मेटाक्लोप्रामाइड चूंकि डी टू रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी सीटीजेड पे, उसकी वजह से क्या होगा, खून में प्रोलैक्टिन हार्मोन की मिकदार ज्यादा हो जाएगी और मेल्स के अंदर गाइनेकोमेस्टिया यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाएगी। और इसी की वजह से चूंकि ये डी टू रिसेप्टर को ब्रेन में ब्लॉक कर रही है मेटाक्लोप्रामाइड, तो एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम आएंगी। ये दो इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। एक फायदा दिखाया है कि डी टू रिसेप्टर को जब ये सीटीजेड पे ब्लॉक करती है तो एंटीएमेटिक इफेक्ट शो करती है, लेकिन दो इसके साथ एडवर्स इफेक्ट भी बताए कि डी टू रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाएगा और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आएंगे। ये हम आखिर में एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम क्या है, स्लाइड लगी हुई है तो वहां पे हम देख लेंगे। बेटा इसका मोड ऑफ एक्शन अगर आप देखें तो मेटाक्लोप्रामाइड दोनों जगहों पे, सेंट्रल इफेक्ट यानी ब्रेन के ऊपर मेडुला में एंटीएमेटिक इफेक्ट सीटीजेड के ऊपर ये शो कर रही है, और स्टमक में पेरिफेरल और सेंट्रल इफेक्ट शो करती है। मेटाक्लोप्रामाइड ब्रेन में जाकर डी टू रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और वॉमिटिंग के एंटी वॉमिटिंग इफेक्ट शो करती है, यानी वॉमिटिंग को रोक देती है, एंटी वॉमिटिंग वॉमिटिंग को रोक देती है। यहां पे क्या काम करती है, जब ये स्टमक में मौजूद डी टू रिसेप्टर को बाइंड करती है तो यहां पे ये तीन इफेक्ट शो करिए, तीन इफेक्ट क्या शो करिए, स्ट्रेंथन मसल टोन, ये एसोफेगस की मसल टोन को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से मेदे के अज्जा एसोफेगस की तरफ नहीं जाएंगे, यहां पे जो मौजूद स्फिंक्टर होगा वो टाइटली क्लोज हो जाएगा क्योंकि मसल टोन बढ़ गई है, ठीक है जी। वहां पे जो स्फिंक्टर के मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो गए, स्ट्रेंथन हो गए हैं, जिसकी वजह से वो क्लोज हो गया है, अब एसोफेगस में कोई स्टमक। दूसरा फेल ये क्या काम करेगी, डी टू रिसेप्टर की वजह से स्टमक कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाएंगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, रिलैक्स होगा पैसेज। पैसेज कौन सा रिलैक्स होगा, ये जो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये रिलैक्स हो जाएगा, खुल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो जाएगी, मैदा तेजी से अपने अज्जा को स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करवा देगा। क्या लिखा हुआ है ये, क्या अब इसको हम सारा एक्सप्लेन जो किया है इसको पढ़ लेते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन है, दीज एजेंट इंक्रीज एसोफेजियल पेरिस्टाल्टिक एम्पलीट्यूड। ये अदवियात जो मेटाक्लोप्रामाइड टाइप अदवियात है या प्रोकाइनेटिक एजेंट है, ये एसोफेजियल पेरिस्टाल्टिक की जो हरकत का एम्पलीट्यूड है उसको क्या करेंगी, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देंगी। पेरिस्टाल्टिक इंक्रीज, सादे लफ्जों में एसोफेजियल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को क्या करेंगी, बढ़ा देंगी। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की प्रेशर को बढ़ा देंगी, जो ये एसोफेगस के लोअर पोर्शन पे स्फिंक्टर है वहां पे क्या करेंगी, प्रेशर बढ़ा देंगी, क्योंकि मसल को ये क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है ये टाइटली क्लोज हो जाएगा। ये क्या काम करेंगी, स्टमक कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाएंगी, तो इसकी वजह से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग तेज हो जाएगी। लेकिन ये अद्वियात, ये बात याद रखनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन की मोर्टेलिटी हरकत पर इतना ज्यादा इफेक्ट शो करती है, ये सिर्फ जो दो जगहों पे पेरिस्टाल्टिक हरकत तेज करेंगी, एसोफेगस और स्टमक की, ये बहुत कम
स्मॉल इंटेस्टाइन की या बहुत कम लार्ज इंटेस्टाइन की मोर्टेलिटी पे असरअंदाज होती है, ये बात याद रखनी है। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी हरकत को बढ़ाएंगी, पूरे जीआईटी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को तेज नहीं करने वाली, ये क्या काम करेंगी, ये स्टमक और एसोफेगस की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देंगी, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की हरकत को ये इतने बढ़ाती है लेकिन कम। और ये दूसरा काम जो सेंट्रल इफेक्ट शो कर रही थी, ये क्या काम कर रही थी, मेटाक्लोप्रामाइड एंड डोम पेरिडोन। मैंने आपको कहा था मेटाक्लोप्रामाइड और डोम पेरिडोन ये दोनों प्रोकाइनेटिक ड्रग है, एमसीक्यू के लिए याद रखनी है आपने। ये दोनों डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है सीटीजेड में, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में, ठीक है, एरिया पोस्ट्रीमा में, जिसकी वजह से पोटेंट किस्म का एंटी नोजिएटिक और एंटी एमेटिक इफेक्ट शो करती है ये, ठीक हो गया। ये सीटीजेड के ऊपर मौजूद D2 रिसेप्टर को, जो एरिया पोस्ट्रीमा में वाकया है वहां पे D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी और इसी वजह से बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के एंटी नोजिएटिक यानी नोजिया यानी जीमत लाने के खिलाफ भी और एंटी एमेटिक गैग को रोकने वाले इफेक्ट भी शो करेंगी। ये आपका मोड ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, यूजेस इस दवा के मेटाक्लोप्रामाइड के क्या है। नोजिया एंड वॉमिटिंग एसोसिएटेड विद जीआई डिस्टर्बेंस, वो नोजिया और वॉमिटिंग जिसका ताल्लुक है जीआई डिस्टर्बेंस से, मैदा और आंतों में कोई, हमने पढ़ा था कि गैस्ट्रिक कैंसर हो गया है, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गई है और दीगर जीआई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो ये सब जीआई डिस्टर्बेंस है, तो इनसे मुतल्लिका जो नोजिया और वॉमिटिंग है जीआई डिस्टर्बेंस से वाबस्ता जो नोजिया और वॉमिटिंग है जीआई डिस्टर्बेंस की वजह से होने वाली नोजिया और वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा ये नोजिया और वॉमिटिंग जो कि साइटोटॉक्सिक अद्वियात होती है, यानी कल से हम जिक्र करें साइटोटॉक्सिक अद्वियात क्या होती है, जो कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है और वो बहुत ज्यादा नोजिया प्रोड्यूस करती है, चाहे वो मुंह के जरिए दी जाए चाहे वो वेन में दी जाए, ठीक है, इंजेक्शन के जरिए, तो उससे साइटोटॉक्सिक अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से होने वाले नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए और रेडियोथेरेपी शुआओं के जरिए जो मुख्तलिफ बीमारियों का जैसे थायराइड का और दीगर जो है इस किस्म के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उनका जब शुआओं के जरिए इलाज करते हैं तब मरीज को बहुत ज्यादा नोजिया और वॉमिटिंग होती है, तो इस वजह से क्या होता है कि उसको ठीक करने के लिए हम मेटाक्लोप्रामाइड का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ चूंकि ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग तेज करती है, ये पेरिस्टाल्टिक हरकत तेज करती है, जब ये D2 रिसेप्टर स्टमक में बाइंड करती है तो ये इस फेल को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, टू एम्प्टी स्टमक बिफोर एमरजेंसी एनेस्थीजिया। मरीज को एमरजेंसी एनेस्थीजिया देने की जरूरत पड़ गई है, मरीज ने जो है चंद घंटे पहले खाना खाया था, ठीक है जी, और उसके साथ साथ क्या हुआ ये अब इसको समझ लें, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया या अपेंडिक्स का पेन हो गया या कोई और प्रॉब्लम, फौरी तौर पर इमरजेंसी उसको ऑपरेट करना पड़े तो इमरजेंसी एनेस्थीजिया जब देंगे और वो 2-3 घंटे पहले खाना भी खा चुका हुआ है तो अब क्या होगा कि खुराक मेदे के जो एसिडिक कंटेंट है एनेस्थीजिया देने से पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है तो मेदे के जो अज्जा है वो कहीं सांस की नाली में ना आ जाएं, तो उसके लिए फिर क्या काम करते हैं मेटाक्लोप्रामाइड का इंजेक्शन लगाते हैं जिसकी वजह से ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर उसको क्लोज कर देगी। अब स्टमक के अज्जा जोन से है वो एसोफेगस में नहीं जा पाएंगे क्योंकि एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में जो स्फिंक्टर है वो क्लोज कर देगी ये दवा की। आपने पढ़ा है ना पिछली स्लाइड में कि ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को बढ़ा देगी, प्रेशर को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जिसको आप कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं वो टाइटली क्लोज हो जाएगा, लिहाजा कोई डर नहीं होगा कि मेदे के अज्जा स्टमक के अज्जा जो है वो सांस की नाली में ना आ जाए। इसी तरह लेबर में डिलीवरी के टाइम पे ये स्टमक को एम्प्टी करने के लिए दिया जाता है और गेस्ट्रो एसो, मैंने आपको बताया था जब हमने प्रोकाइनेटिक ड्रग की स्लाइड देखी आज के लेक्चर के शुरू में तो मैंने कहा था ये GERD यानी गेस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि अगेन वही बात आती है ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को बढ़ा देती है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को क्लोज कर देती है जिसकी वजह से मेदे के तेजाबी अज्जा जो है एसोफेगस में नहीं आ सकते, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा ये एसिडिटी को खत्म नहीं कर रही, ये सिर्फ एसोफेगस जो के नीचे जो स्फिंक्टर है उसको क्लोज कर रही है जिसकी वजह से जो है रिफ्लक्स नहीं होगा एसिडिक फूड का और
इसीलिए ये हार्ट बर्न में अफाका देगी और जीईआरडिया रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस में अफाका देती है। एडवर्स इफेक्ट भी हैं इसके कुछ, वो क्या है, रेस्टलेसनेस कर देती है, क्योंकि भाई ब्रेन के ऊपर जाकर ये इफेक्ट कर रही है ना, तो ब्रेन के सेंटर्स को ये क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, ब्रेन के ऊपर डिप्रेस, ब्रेन को, ब्रेन की एक्टिविटीज को डिप्रेस कर देगी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रेस्टलेसनेस, मरीज को बेचैनी महसूस, फेशियल स्पास के मानी होते हैं अकड़ाव, फेशियल स्पास, चेहरे पर अकड़ाव आ जाता है अगर इसका आईवी इंजेक्शन तेजी से लगा दिया जाए। एक्स्ट्रा पायरामेंटल सिम्टम्स आती हैं, ये एक्स्ट्रा पायरामेंटल सिम्टम इसलिए प्रोमिनेंट करके लिखी गई कि ये पहले भी आई है इसी स्लाइड के शुरू में, कि चूंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में D2 रिसेप्टर की एक्टिविटी ब्लॉक करती है तो एंटीएमेटिक इफेक्ट तो शो करती है, लेकिन इसके साथ साथ हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कर देती है और ये एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम देती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम इसकी वजह से आते हैं अगर इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें। एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम आते हैं अगर इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें। एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स जो हैं हम पढ़ेंगे एंटीसाइकोटिक ड्रग में, जो कि हम CNS में पढ़ेंगे, वहां पे डिटेल में हम इसके एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स होती क्या हैं उसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा समझाऊंगी बस। डायरिया कर देती है क्योंकि ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को इनहांस करती है, मैदे को तेजी से खाली करती है, तो इसकी वजह से डायरिया हो सकता है। गायनेकोमेस्टिया बताया तो था शुरू की स्लाइड में ही, अगर आप देखें जो पहली मोड ऑफ एक्शन वाली स्लाइड है तो उसने लिखा हुआ था कि ये खून में प्रोलैक्टिन हार्मोन की मिकदार ज्यादा कर देती है, जिसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, मेल में डेवलपमेंट हो जाती है ब्रेस्ट की और लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शन हो सकती है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या है, मिल्क प्रोडक्शन, तो ये लैक्टेशन के प्रोसेस को भी स्टार्ट करवा सकती है क्योंकि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को इंक्रीज कर देती है, तो ये मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ा देगी फीमेल में, तो इसलिए ये इसके साइड इफेक्ट्स आ गए। रेस्टलेसनेस है, फेशियल स्पास, तेजी से इसका आईवी इंजेक्शन दे दिया तो चेहरे पर अकड़ाव आ जाता है, और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम आते हैं अगर लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल करें। डायरिया कर देती है क्योंकि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को तेज करती है, गायनेकोमेस्टिया कर देती है और लैक्टेशन कर देती है क्योंकि ये खून में प्रोलैक्टिन लेवल को क्या करती है, बढ़ा देती है। एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स क्या होती हैं, ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये कुछ अद्वियात के साथ हम CNS में जाके, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, खासतौर पर एंटीसाइकोटिक अद्वियात में हम पढ़ेंगे इनको, एक्स्ट्रा पायरामिडल पार्किंसोनिज्म में पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट में फिजिकल सिम्टम्स जो आती हैं, जिस्मानी ट्रेमर, कपकपाहट, हाथ पांव में कपकपाहट होगी, स्लर्ड स्पीच, लड़खड़ाती हुई वो जुबान में बात करेगा, स्लर्ड स्पीच वो बोलने का अमल जो हमें समझ नहीं आता, लड़खड़ाती हुई जुबान में जब कोई बात करते तो हमें समझ नहीं आता, स्लर्ड स्पीच कहलाती है। एकथीसिया, इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, जब एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट आते हैं तो कोई भी, जैसे आप लोग एक बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं ना, बिल्कुल आराम से एक जगह पे बैठ जाना, तो मरीज जो एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स का होता है वो एक जगह पे टिक कर नहीं बैठ सकता। ठीक है जी, डिस्टोनिया, इसमें क्या होगा, मसल कॉन्ट्रेक्शन होगी, बार बार उसके मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एंजाइटी, परेशानी, डिस्ट्रेस, वही पैरानोया, खौफ, ब्रेडीफ्रीनिया, जो है उसकी सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल स्लो हो जाएगी, तो ये है एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट्स। ठीक है जी, मरीज हाथों को ऐसे घुमाएगा, हाथों की उंगलियों को घुमाना शुरू कर देगा, पाओ को जो है डांसिंग मूवमेंट जो है पाओ के साथ शुरू कर देगा, अपने हाथ की उंगलियों को ऐसे घुमाएगा जैसे तस्बीह के दाने चला रहे होते हैं, या जुबान को घुमाना शुरू कर देगा, चेहरे के जाविये टेढ़े मेढ़े करना शुरू कर देगा, ये सब एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स होती हैं। ये हम फिर बता रही हूँ, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको जब हम CNS करेंगे, और तब हम वहां पे इसकी वीडियो भी देखेंगे पूरी की पूरी कि ये किस तरीके से एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स आते हैं, तो उसको हम वहां पे ज्यादा कवर करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक इस दवा के क्या हैं, इट इज वेल एब्जॉर्ब रैपिडली, ये बहुत तेजी से अब्जॉर्ब हो जाती है, पीक प्लाज्मा कंसेंट्रेशन 1 से 2 घंटे में, यानी खून में इसकी मैक्सिमम मिकदार 1 से 2 घंटे में आ जाती है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन देने के बाद। ये मेटाबोलाइज इन लीवर बाय P450 साइटोक्रोम P450 एंजाइम के साथ, और ये यूरिन में निकलती है, इसकी डोज
10 ग्राम टीडीएस है, ओरल भी दे सकते हैं, आईवी आईएम भी दे सकते हैं। ये इसके ब्रांड है। मेक्सोलॉन की टेबलेट्स आती हैं जो 10 मिलीग्राम की होती हैं, और मेटाक्लोप्रामाइड का भी इंजेक्शन आता है, और ये 10 mg per 2 ml का एम्प्यूल होता है। तो ये इस तरीके से आपका मेटाक्लोप्रामाइड का नोट अगर आ जाए तो आपने ये सब चीजें लिखनी है। डायमिन हाइड्रिनेट आपके सिलेबस में नेक्स्ट और आखिरी एंटीएमेटिक, ये दो एंटीएमेटिक शामिल हैं, तो ये डिटेल में है। इनको हम डायमिन हाइड्रिनेट को जल्दी से देख लेते हैं। डायमिन हाइड्रिनेट को H1 रिसेप्टर ब्लॉकर भी कहते हैं या H1 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट भी कहते हैं। ये वही है ग्रेविनेट वाला सॉल्ट है। डायमिन हाइड्रिनेट H1 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट, इट इज एन ओटीसी ड्रग, ये एक ओटीसी ड्रग है, यूज टू ट्रीट मोशन सिकनेस, ये कल हमने बार बार जिक्र किया था। H1 रिसेप्टर ब्लॉकर और H1 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट और इसके साथ साथ मस्करिनिक एंटेगोनिस्ट जो है, आप मोशन सिकनेस का मतलब क्या, सफर की वजह से जो कह होती है, तो ये उसमें ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और कहीं पे इनका इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। तो ये मोशन सिकनेस या नोजिया जी मतलाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये मोड ऑफ एक्शन क्या है, दिस ड्रग ब्लॉक H1 रिसेप्टर, ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, प्रिवेंटिंग द एक्शन ऑफ हिस्टामिन ऑन GI स्मूथ मसल, और हिस्टामिन के असरात को जो GI स्मूथ मसल पर है वो क्या करती है, खत्म कर देती है और वॉमिटिंग को रोकती है। देखें हिस्टामिन जब H2 रिसेप्टर से स्टमक में बाइंड कर रही थी ना तो एसिड प्रोड्यूस करवा रही थी, और हिस्टामिन जब GI में मौजूद H1 रिसेप्टर से बाइंड करती है तो क्या करती है, वॉमिट करवाती है। तो ये H1 रिसेप्टर से बाइंड करके, डायमिन हाइड्रिनेट H1 रिसेप्टर से बाइंड करके हिस्टामिन को H1 रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होने देती, जिसकी वजह से क्या अमल रुक जाता है, ये नोजिया वॉमिटिंग जो के और डिजीनेस सरचकराना कै मतली जो होती है मोशन सिकनेस की वजह से, उसके लिए सिर्फ मोशन सिकनेस में हम देते हैं। इसके जो एडवर्स इफेक्ट है, ड्राउजीनेस है, गनूदगी आती है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाती है, ब्लड वीएन नजर धुंधला आ जाती है, और इसकी डोज है 50 से 100 मिलीग्राम एडल्ट डोज इसकी है। इसके जो ब्रांड है, ग्रेविनेट इंजेक्शन में भी आता है, ठीक है जी, आईवी आईएम दोनों में लगता है। टेबलेट आती है 50 mg में इसकी आती है, ठीक है जी, और इसके साथ ड्रामामिन भी इसी जो है डायमिन हाइड्रिनेट एंटीएमेटिक, ठीक है जी। और ये खास तौर पे लिखा हुआ है कि मोशन सिकनेस बच्चों और बड़ों में ये इस्तेमाल करवाई जाती है, ये सिर्फ मोशन सिकनेस के लिए इस्तेमाल होती है। इसके साथ साथ H1 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट का थोड़ा सा, और एंटीकोलिनर्जिक, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि H1 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट और एंटीकोलिनर्जिक या मस्करिनिक, इनको एंटेगोनिस्ट भी कहते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी कहते हैं। तो ये कहाँ इस्तेमाल होती है, मोशन सिकनेस में, इन ये दोनों किस्म की अद्वियात मोशन सिकनेस में, और इनके एडवर्स इफेक्ट क्या है, सिडेशन, गनूदगी, डिजीनेस, सर्च कराना, कंफ्यूज कर देती हैं, ड्राई माउथ, मुंह खुश्क कर देती हैं, साइक्लोप्लेजिया कर देती हैं, यूरिनरी रिटेंशन कर देती हैं। ये खास तौर पर आपके दोनों की ये ब्रांड लिखे हुए हैं, ये आप देख लें, मैक्रीजीन आपने पढ़ा था, ठीक है जी, साइक्लोप्लेजिया करती हैं तभी ब्लड वीएन आती है बेटा, साइक्लोप्लेजिया। ये टर्म हम पढ़ेंगे जब हम आगे जाके CNS के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहरहाल यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि साइक्लोप्लेजिया क्या होता है, लॉस ऑफ अकोमोडेशन, आंख की प्रॉब्लम है साइक्लोप्लीजिया। साइक्लोप्लीजिया में क्या होता है कि आंख का जो लेंस होता है वो फोकस नहीं कर पाता, जैसे हम एकदम दूर की चीज देखते हैं और दूर की चीज देखते देखते नजदीक की कोई चीज देखें तो हमारी नजर फौरन एडजस्ट कर जाती है, अकोमोडेट कर जाती है, दूर की चीज भी फौरन दिखा देती है और नजदीक की चीज भी फौरन आपको एकदम से आपकी नजर फोकस हो जाती है, ठीक है। लेकिन साइक्लोप्लीजिया में ये फोकस जो है या अकोमोडेशन जो आई की है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ब्लड वीएन हो जाती है, इसी वजह से इसको साइक्लोप्लीजिया कह लें, ब्लड वीएन कह लें, यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है, यूरिन ब्लैडर में ही रुक जाता है। डायमिन हाइड्रिनेट, ठीक है जी,
और डाइफिनहाइड्रामिन और डायमिनहाइड्रिनेट ये दोनों फर्स्ट जनरेशन H1 रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है और सीडेटिव, ये गनूदगी भी तारी करती है। इन अद्वियात के इस्तेमाल से जो है H1 रिसेप्टर जो एंटेगोनिस्ट है इनके इस्तेमाल से गनूदगी आ सकती है। मेक्लिजिन है, ठीक है जी, ये भी फर्स्ट जनरेशन H1 रिसेप्टर ब्लॉकर है, लेकिन ये लेस एंटीकोलिनर्जिक और लेस सिडेटिव प्रॉपर्टी रखती है। और हायोसिन जो सी है ये मस्कारिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है, या इसको आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी कहते हैं, और ये एसिटाइलकोलीन को मस्कारिनिक रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देती, जिसकी वजह से कह का अमल क्या होता है, वो रुक जाता है। तो ये हमारा आज के एंटीएमेटिक टॉपिक खत्म हो गया। इसमें से कोई क्वेश्चन या कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क इन द ग्रुप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।